कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से लोहा लेते हुए सतना के सपूत वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा। शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर हर आंखें नम थी, हर दिल दुखी। किसने सोचा था कि अपने पैरों पर देश की रक्षा के लिए घर से गया कर्णवीर चार कंधों पर वापस आएगा। माहौल बेहद गमगीन था। सतना के सपूत की एक झलक पाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। हर कोई 25 साल की युवा उम्र में शहीद हुए कर्णवीर के अंतिम दर्शन करना चाहता था। आंसुओं के सैलाब के बीच हर कोई सतना के लाडले को निहार रहा था। उनकी अंतिम यात्रा में सीएम शिवराज सिंह भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनके साथ राम खेलावन पटेल, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक और कई नेता मौजूद रहे। सीएम ने कर्णवीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा, कर्णवीर ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और उनका परिवार अब हम सब का परिवार है। सीएम ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की है और साथ ही शहीद के भाई को शासकीय सेवा में नौकरी भी दी जाएगी। ये दलदल गांव धन्य हो गया, मध्य प्रदेश की धरती धन्य हो गई। इस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया श्री रवि प्रताप सिंह जी के यहाँ, मां मिथिलेश जी की कोख से, कि जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में रक्षा में समर्पित कर दी। कर्णवीर सिंह जी इसी दलदल गांव की धरती में जन्मे थे, कुल 25 साल उम्र थी जिस दिन जन्म हुआ। उसी दिन आतंकवादियों से जूझते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ऐसा पुत्र। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो हमारे बीच नहीं रहे, वो अमर हो गए, लेकिन उनके पिताजी वो भी आर्मी में सेवा करते करते, देश की सीमाओं की रक्षा करते करते रिटायर हुए। उनकी आंखों से 1 आंसू की बूंद नहीं निकली। गर्व है उन्हें अपने पुत्र पर और वो आज मुझे यही कह रहे थे कि और अगर 10 बेटे होते तो वो भी बार देता भारत माता में। ऐसे पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं, माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको सास की सेवा में रखा जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में मां भारती के लाल ने शहादत को चूमा था। 21 राजपूत रेजिमेंट 44 आरआर के कर्णवीर सिंह राजपूत ने 2 आतंकियों को ढेर करने के बाद शहादत का जाम पिया था। कर्णवीर सतना शहर के वार्ड नंबर 22 ओतैली के रहने वाले रिटायर्ड सूबेदार फौजी रवि कुमार सिंह के बेटे थे। कर्णवीर के 2 भाई हैं, जिनमें कर्णवीर छोटा था। गौर करने वाली बात है कि कर्णवीर का जन्म दिवस 20 अक्टूबर को होता है और उसी दिन वो वतन पर फिदा हो गया। 20 अक्टूबर 1996 को जन्मे कर्णवीर अभी अविवाहित थे। उनकी वीरता और शहादत पर यही शब्द याद आते हैं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए सतना से फिरोज बागी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।